वेलकम फ्रेंड्स, है मेरे अपने की सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रमाण चुका है, जहां आप देखने वाले हैं एक तरफ मरियम का काशिफ के साथ शादी पर हाँ कर देने से काशिफ की जो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, दूसरी तरफ उसामा अपने भाई को बार बार समझा रहा है कि वो मरियम से शादी ना करे, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मरियम का काशिफ के साथ शादी करने का मकसद क्या है। लेकिन काशिफ को उसामा की किसी बात का यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी आंखों पर मरियम के नाम की पट्टी बन चुकी है। उसी तरह हमजा को अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा मिलने के बाद उसे रमशा की कदर हो रही है और अपने किए गए पर पछतावा, और रमशा से कहता है कि जितना ख्याल तो मेरा रख रही हो, मत रखो, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। दूसरी तरफ मरियम अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही, वो बहुत जल्द नेहा को बदनाम करके उस घर से निकालना चाहती है, और वो इस बात का बदला जब लेती है जब सामा नेहा के कमरे में ये बताने जाता है कि वो अरूसा को शादी के लिए मना कर चुका है, क्योंकि वो अभी से उसकी फैमिली और घर वालों के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में मरियम काशिफ को जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि उसामा और नेहा के दरमियान कुछ गलत है। इस बात पर काशिफ भड़क उठता है और गुस्से में मरियम से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर मरियम के इसरार करने पर जब वो नेहा के कमरे में उसे लेकर आती है तो वहाँ उसामा मौजूद होता है, जिसमें मरियम काशिफ से कहती है अब आगे आपको मेरी बात पर यकीन। इन दोनों को एक साथ देखकर काशिफ भी काफ़ी चौंक जाता है, उसे भी मरियम के पास सच लगने लगती है, और इस बात को लेकर उसामा और काशिफ में बहस हो जाती है, जिसके बाद पूरे घर में हंगामा बर्पा हो जाता है। और जब इस बात की खबर महमूद साहब तक पहुंचती है तो वो अपनी बेगम नाहिद से कहते हैं अपनी नेहा को इस बात के बाद तो वो घर फौरन छोड़ देना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए हर सूरत, और तुम्हारे भाई साहब से भी तो हिस्सा लेना है जो उन्होंने देने का वादा किया था। हालांकि इकबाल साहब वो हिस्सा नेहा को दे चुके हैं पहले ही, जिसकी खबर महमूद साहब को है ही नहीं। और दूसरी तरफ महमूद साहब अपने बेटे हमजा को भी यही सिखा रहे हैं कि मासूमियत का ड्रामा करके तुम रमशा की सारी दौलत हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कब ख़त्म होगा महमूद साहब का ये लालच? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें अकल नहीं आई, और काशिफ भी मरियम की असलियत बहुत जल्द जान जाएगा जब काशिफ मरियम और उसकी माँ की बातें सुन लेगा और उसे मरियम की सारी असलियत मालूम हो जाएगी। उस वक़्त क्या सलूक करेगा काशिफ मरियम के साथ जब उसे ये पता चलेगा कि मरियम ने नफरत की आड़ में शुमाइला और उसके बच्चे को भी मार डाला और काशिफ का घर भी बर्बाद कर दिया, तो क्या सलूक होगा मरियम के साथ? ये सब देखने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।